यह रूबी क्रॉसिंग जहां से पास करने वाले है कार। हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:45। तो मैं हूँ नियर रूबी, यह रूबी क्रॉसिंग। तो आज एक खास वजह से हम रूबी में आए हैं। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज क्या है। तो आज है विंटेज कार की रैली कोलकाता में। तो इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मेरे सारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को नए साल के बहुत 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 शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2020। एंड आज एक ब्लॉग में जो कार दिखेगा वो थोड़ा एंटीक होगा, वो विंटेज कार होगा। डेट है 5th of Jan 2020। सो ये मेरा इस साल का फास्ट ब्लॉग है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा सपोर्ट कर देना भाई को, क्या जाता है, फ्री में ही तो है। तो एक्चुअल में क्या था, मैं अचानक से ये प्लान बन गया क्योंकि मैंने सुबह ही देखा कि विंटेज कार का रैली ईस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। अनाउंस कल ही कर दिया था, जो 8:30 को ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन क्लब से निकलेगा। फ्लैग ऑफ टाइम था 8:30। तो अचानक से प्लान बन गया, तो मैं टाइम से 15 मिनट लेट हूँ। मैं 8:45 रूबी में रीच किया, तो मुझे लगा कि शायद रैली आउट हो चुका है, इसलिए मैं रूबी में आ गया। तो आप सबको दिखाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत एक से भर के एक कार है। सुनने में आ रहा था कि किसी ने ये कार परचेस किया था 250 रुपीज़ से, किसी ने 170 रुपीज़ से। तो मुझे तो एग्जैक्ट पता है नहीं, जो इंटरव्यू में दिख रहा था कि 200 में कार, ओनली 250-200 में कार। तो किसी के परदादा ने परचेस किया था, किसी के दादाजी ने परचेस किया था। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके पीछे ये लोग का खास मकसद है, एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, जो पूर्वजनों का चीज़ें हैं, उसको नया जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन, उसको संभाल के रखे और उसको मेंटेन करे। तो यही इन लोग का मैसेज है। तो अभी तक तो टाइम हो गया है 9 बजने वाला है, लेकिन अभी तक ये लोग का रैली यहाँ पे आया नहीं, तो मैं रूबी में ही वेट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में रूबी क्रॉसिंग है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो नॉइज़ आई होप आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो नॉइज़ को इग्नोर कीजिए। और जो गाड़ी दिखने वाला है ना दोस्त, मैं तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जब गड़ियाहाट में जॉब करता था तो वहाँ पे मैंने 2 साल देखा है रैली। तो ज़्यादा तो देख नहीं पाया, लेकिन बहुत ही एंटिक एंटिक कलेक्शन है कलकत्ता में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना, गाड़ी कैसा लगा कमेंट में बताना। और जब सुबह निकले थे घर से लगभग 7:30 बजे, 7:35 को, बहुत ही ठंडा था। गूगल दिखा रहा था कि 12 डिग्री सेल्सियस है अभी कलकत्ता में। तो ठंडा तो जो था, लेकिन उससे ज़्यादा फॉगी था, बहुत ही फॉगी वेदर था। तो होप कि आप लोग का विंटर बहुत अच्छा जा रहा है और नया साल बहुत अच्छा अच्छा मेमोरीज़ आप सबके जीवन में आए, आपका हर ड्रीम्स पूरा हो। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2020, एंड आप सबको इस नए साल का बहुत 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 बधाई। तो फिलहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, रूबी क्रॉसिंग में वेट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक ये रैली आएगा। ऑलरेडी 9 बज रहा है, तो शायद कुछ देर लगेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप सब भी वीडियो के साथ बने रहिए, और वो होता है ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। अब तक रैली नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस लोकेशन का व्यू लीजिए। यह है EM बाईपास जो चिंगड़ीघाटा कनेक्ट हो रहा है, और यह है बाईपास के साइड वाला रोड, और यहाँ पे है रूबी क्रॉसिंग जो लेफ्ट गड़ियाहाट जाता है, स्ट्रेट चिंगड़ीघाटा। तो ये जो रैली होने वाला है ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन क्लब से होके यहाँ से आएगा, यहाँ से होके रूबी क्रॉसिंग से देन लेफ्ट गड़ियाहाट होके देसोपियो पार्क जाएगा, बालीगंज सर्कुलर रोड भी कवर करेगा। फ्रेंड्स, मैंने अभी यूट्यूब में चेक कर रहा था, तो मेरा 3K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुका है, मतलब ब्रावाडस फैमिली में 3000 मेम्बर जुड़ चुका है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और नया साल में हर किसी का कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन रहता है, तो मेरा नया साल का रिजोल्यूशन है कि मैं थोड़ा यूट्यूब में कंटिन्यू टू रखूँ। तो ब्लॉग आएगा, ब्लॉग मैं हर रोज़ तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कोशिश है कि ब्लॉग आए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऐसे सपोर्ट करते रहना भाई को, प्यार देते रहना। तो रैली आई गेस शुरू हो चुका है, हाँ देखिए
तो चलिए और बात करके समय ना लेते हुए आप लोग को दिखाते हैं विंटेज कार। क्या कार है देखिए, लाजवाब लाजवाब। तो यहाँ से जा रहा है रूबी क्रॉसिंग एंड देन वहाँ से ले रहा है लेफ्ट। यह है रूबी क्रॉसिंग देन यहाँ से ये लोग ले रहे हैं लेफ्ट गड़ियाहाट की तरफ। तो सुबह सुबह एक दोस्त मिल गया बहुत ही प्यारा सा, आइए मिलाता हूँ। ये है आरव जो है अयोध्या से है। तो भाई ने बोला है कभी भी नेपाल राइड कीजिए तो कॉल देने के लिए। भाई का ढाबा है हाईवे पे, अच्छा सब कुछ रूम वगैरह आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो भाई ने एक पर्पज से आया है कलकत्ता में, वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिल के। और हाँ, सब्सक्राइब भी करवा लिया बहुत अच्छा लगा भाई। तो गाड़ी तो एक साथ रैली में नहीं आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, बहुत गैप में आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी फुटेज मैं ले रहा हूँ कि एक साथ उसको ऐड करके आपको दूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और अभी भी बहुत सारा गाड़ी आने वाला है तो देखते रहिए। हाँ, अगर विंटेज कार आप सबको पसंद लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ और लाइक कीजिएगा। भाई का चैनल है।
ये लोग का रैली का जो रीज़न है कि पूर्वजनों का चीज़ों को नया जनरेशन अपकमिंग जनरेशन थोड़ा संभाल के रखे। और ये गाड़ी जो है सारा ही विंटेज है, बहुत ही रेयर है, जो आम दिन आम डेट में रास्ते में दिखने को आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये बहुत खास है। और एक चीज़ है कि अगर ये कार ये जो प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वो लोग का एक ये ऑर्गेनाइज करने का एक पीछे भी एक खास रीज़न है कि ये जो विंटेज कार है जो बहुत लोग ने बहुत संभाल कर रखा है और बहुत मेंटेन करके रखा है, अगर वो लोग कभी रास्ते में ना निकल पाए और लोगों को दिखा ना पाए तो वो लोग का भी मोटिव चला जाएगा ये कलेक्शन करके रखने का। तो इसलिए ईस्ट इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने ये स्टेप लिया है जो बहुत ही अच्छा है, जो दो तीन साल से चल रहा है लेकिन इस बार ये थोड़ा प्रोग्राम बड़ा करके चल रहा है। तो मैं तो फ्लैग ऑफ के टाइम में वहाँ पे जा नहीं सका लेकिन वहाँ पे सुना है कि बहुत सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बहुत महान महान हस्तियाँ आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं था, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं रूबी क्रॉसिंग सुनने में आया था कि ये 200-250 ऐसे रुपये से परचेस किया था कोई ज़मींदार या कोई सेलिब्रिटीज़ या कोई बड़े आदमी या कोई एंटीक का शौकीन जो रखता है लाइफ में, वो लोग ने ये कलेक्शन करके रखे थे। तो आज भी बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं गाड़ी को। आप लोग के लिए बंदा इतना मेहनत कर रहा है और खुद के लिए भी, क्योंकि मेरा बहुत शौक है एंटीक और विंटेज कार देखने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। ऑनेस्टली फ्रेंड, मुझे तो रैली का फॉर्मेट सही नहीं लगा क्योंकि गाड़ी जो आ रहा है वो एक के बाद बहुत टाइम लेके और एक गाड़ी आ रहा है, तो उसमें बहुत टाइम जा रहा है, वीडियो भी अच्छे से नहीं आ रहा है, पिक्चर्स भी अच्छे से मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक साथ कोई लाइन फॉर्मेट में रैली नहीं आ रहा है। सो टाइम हो गया है 10:15, सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है, तो यहाँ से ही कुछ एक कचौरी या कुछ नाश्ता चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे, तो जाने का ब्लॉग और क्या दिखाए। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड फिर मिलेंगे किसी एक नए एक स्टोरी के साथ नए जगह में नए एक ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा दोस्तों। पता नहीं आप लोग को वीडियो में कैसा दिख रहा होगा लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सामने से मैं देख पाया तो पूरा कोशिश था कि आप लोग को भी दिखा पाऊँ विंटेज कार। और हाँ, आज का ब्लॉग मैं तो भूल ही गया, मेरा इंट्रो देना भूल गया, तो मैं लास्ट में इंट्रो दूंगा आज। सो इस वीडियो में सारे बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार एंड सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को बराबर अली का सलाम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।